इस वेले की अहम ते वड्डी खबर लोकां दे नाल जुड़ी हुई है। राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोक सभा दे विच वड्डा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जो टोल प्लाजे ने वह 60 किलोमीटर के दायरे दे विच एक ही टोल प्लाजा होगा। तुहानू फिर दस दिंदे आ कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि जो टोल प्लाजे ने 60 किलोमीटर के दायरे दे विच एक ही टोल लगेगा। नाल दी नाल जेकर जो उत्थे आले दुआले होर टोल ने 3 तो वध 2 ने जां 3 ने उन्होंने 3 महीने के अंदर हटाया जाएगा। ऐलान अज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे वल्लों लोक सभा दे विच कीता गया। नाल दी नाल उन्होंने उन्होंने लोगों भी राहत दी आ जिन्हों के घर नेड़े टोल प्लाजे के नेड़े होंगे ने पिंड नेड़े होंगे ने उन्होंने उत्थों की लंघ के जाना होंदा है। उन्होंने लिए खास जिहड़ी रियायत दी गई आ उन्होंने आधार कार्ड के जरिए एक पास जारी किया जाएगा। खास पास बनाए जाएंगे उसके जरिए जिहड़े टोल प्लाजे नेड़े रहिंदे ने लोग उन्होंने जिहड़ा राहत दी जाएगी। इस तों इलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी दावा किया है कि पूरे मुल्क दीयां सड़कां ने जिहड़ियां उह अमेरिका दे सड़कां दे वर्गियां होणगियां। दावा भी उन्होंने वल्लों किया गया है। होर किहड़े किहड़े ऐलान उन्होंने किए ने तुसीं उह भी सुणो। हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने दो सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके बाद आधार का कार्ड और वहाँ टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूँ, जहाँ भी ऐसे टोल बने और वहाँ के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इल्लीगल है, मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफ़ी उपाय किए। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूँ, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहाँ? इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान मिल जाए। सुनिया तुसी, केंद्रीय मंत्री ने लोगों नू राहत दी आ पर यह कदों लागू होंदा है ये देखना होगा। पर तुसी ने देखिया होना कई तो नेड़े तेड़े ही कई टोल प्लाजे लगे होंगे ने, उत्थे लोगों नू पर्ची देनी पैंदी आ, टोल टैक्स देना पैंदा है, लोगों दीयां जेबां ते असर पैंदा है। पर हुण लोगों के लिए राहत की खबर है कि केंद्र सरकार ने नवा फैसला कर लिया कि 60 किलोमीटर के दायरे के विच एक ही टोल प्लाजा होगा। कैमरामैन जॉनसन दे नाल कुलदीप सिंह पोड़े, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बणदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।